नमस्कार, आप देख रहे हैं HBR न्यूज। बोकारो में ग्रामीण अभिभावकों की जीत हुई है। दरअसल 3 महीने पहले हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावक स्कूल में हो रही धांधली को लेकर आवाज उठाई थी, जिसके बाद हमने प्राथमिकता से आप सभी दर्शकों को दिखाया था और इस समस्या का निदान किया जा चुका है। बता दें, विगत 3 महीने पहले हमारे HBR न्यूज चैनल के माध्यम से अभिभावक विकल झा ने स्कूल में हो रहे धांधली पर आवाज उठाई थी, जिसे हमने प्राथमिकता से आप सभी दर्शकों को दिखाया था। विकल झा की आवाज सभी अभिभावकों की आवाज बनने के बाद पिंडरा जोड़ा थाना प्रभारी सभी ग्रामीण अभिभावकों को HBR न्यूज के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुराग झा के मध्यस्थता में इस समस्या का निदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBR न्यूज। नमस्कार, मैं निर्मल कुमार, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो बोकारो। ये आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक कुमार। कार्तिक कुमार, ये आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ता है। कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे यहाँ? कम से कम 2 साल हो रहा है। 2 साल से? 2-3 सर। 2-3 साल। कितने बच्चे हैं? मेरा तो बच्चा बहुत, लेकिन जो पढ़ता है उसको हम बताएंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरा यहाँ 3 बच्चा। 3 बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं वो? KG 1, KG 2। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी यहाँ हमारे पास जो समस्या और खबर आई है मिड डे मील को लेकर, ये क्या चल रहा है यहाँ मिड डे मील को लेकर? यहाँ चावल का लिए था, चावल को लेकर। हाँ, मतलब कि चावल में क्या, चावल कम दिया जा रहा है? चावल कम दिया गया है, तो एक बार पटाई भी नहीं की। जो हम लोग कुमारी किए हैं, जनता का घर से 50 बोरा चावल निकला। अच्छा, मतलब आपके यहाँ बच्चों को चावल कम दिया जा रहा था जी, और आप लोगों ने इसका जब इंक्वायरी किया घर से? हाँ। क्या सुशांत कुमार कौन है? परिचित का लड़का का बेटा। इससे क्या संबंध है इस केस से? केस अध्यक्ष है। अच्छा, मतलब यहाँ का अध्यक्ष सुशांत मान जी। अच्छा, जो उनके घर में बरामद हुआ, कितना बोरा चावल बरामद हुआ? 50 बोरा। तो आपके बच्चों को कब से चावल कम मिल रहा था? अभी धरे ये जो 10 किलो ना, 10 किलो करके जो मिल रहा था उसमें 4 किलो करके मिला। मतलब सरकार से पारित हुआ है 10 किलो। हाँ। और आपके बच्चों को मिला था सिर्फ 4 किलो बस। अच्छा, ये कितने महीने से कम मिल रहा था? अभी धरिए उधर आगे का पहले बात नहीं हम बता सकते हैं। लॉकडाउन से 4 महीना हो रहा है। ये 2-3 महीना का बात है, 2-3 महीना से चल रहा है। हाँ, हाँ। तो इसके बाद आप लोगों से डायरेक्ट शिकायत किए थे या फिर सीधा उनके यहाँ इंक्वायरी किए? उनको जाके हम लोग बोले, जाके बोले कुछ जबरदस्ती किए, चावल कहा गया इतना चावल मिलना था गाय नहीं मिला। वो क्या बोले थे? कुछ नहीं बोलो, बोले नहीं हम नहीं रखे हैं। जैसे करते करते हो बोल दिया, ठीक है हम चावल रखे हैं, हम दे दे रहे हैं। ये चावल ला के यहाँ पर स्कूल में घुसा दिया। मतलब आप लोग जाकर वहाँ देखे चावल के घर पे है, तो फिर आके चावल दिए? जी। बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं आप? 2 बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन से क्लास में? क्लास में थ्री क्लास। तो आपके बच्चों को चावल कम से कम मिल रहा? देखिए, पहले का बात हम लोग नहीं पता था, लेकिन इस बार जो चावल आया था मैं जो सरकार का निर्देश था कि 9 किलो करके 5 से लेकर 8 तक, और 5 से जो दाल में है उसको 6 किलो करके, उसमें से 4 किलो दे रहा था, 4 या 5 अपना मतलब कोई वजन वगैरह, मतलब 1 से 2 किलो कम दिया जा रहा था। मतलब बटखरा नहीं था, वो डब्बा से दे रहा था, जिसको जितना मतलब हो सके उतना दे रहा था। जो आदमी थोड़ा गाँव में है उसको थोड़ा ज़्यादा दे रहा था, जो पहचान वाले पहुँच वाले हैं उनको पूरा मिल रहा था, जो मतलब नॉर्मल जनप्रवर्ग है उसको कम मिल रहा था। तो क्या घटना हुई है इसमें? घटना यहाँ शुरुआत की हुई है कि चावल को लेकर हंगामा हुआ, पहले चावल कम दिया जा रहा था बच्चों को, मिड डे मील का चावल आ रहा था तो कम दिया जा रहा, उसको लेके घटना हुई, वो घटना फिर सॉल्व हो गई। फिर जो इसको सॉल्व करने वाले हमारे नेता जी पिंटू आजाद, घटना सॉल्व कैसे हो गई? बातचीत करके सॉल्व हुई, यहाँ पे आंदोलन हुआ गांव में, पूरा रैली हुई। अच्छा, रैली को लेकर के विकल ठाकुर उसका रैली का नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, वो इसको बातचीत करके पिंटू आजाद पशुपति कुमार, मतलब कि इसमें जो समस्या का निदान हुआ, मतलब बच्चों को चावल कम मिल रहा था जी, कितना कम मिल रहा था? इसमें कोई लिमिट नहीं था, कोई
मशीन तो थी नहीं कि जिसमें वजन करके दिया जा रहा था, ऐसा अंदाज से दिया जा रहा था, जिसको जैसा 6 to 9, 6 to 8 तक का था 9 किलो देना चाहिए, इसमें से जिसको जैसा किसी को 8 किलो, किसी को 7 किलो, किसी को 6 किलो, मतलब मनमर्जी तरीके से बांटा जा रहा था, मनमर्जी तरीके से बांटा जा रहा था। प्लस जो पहचान में आ रहा था कि हम आपको जानते हैं, उसके बच्चों को, लड़कों बच्चों को 9 किलो दिया जा रहा था। अच्छा, मतलब जो अपने जान पहचान का उसको पूरा मिल रहा था और जो बाकी ऐसे पूरे गांव के बच्चे उनको कम दिया जा रहा था। अच्छा, तो इसके आप लोग जो विरोध किए, फिर अब सब बच्चों को सारा कुछ मिल गया? अब मिलना चाहिए हो गया था, लेकिन मैं उसके लिए बातचीत हुई थी। अच्छा, कि मास्टर बोल के गए थे कि सारा कुछ प्रॉब्लम जो भी है अपन आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे, वही चीज़ हुआ। तो आप लोग फिर जब ये मतलब यहाँ के जो अध्यक्ष थे, आप लोग उनसे मिले या फिर प्रिंसिपल से मिले? प्रिंसिपल से भी मिले, अध्यक्ष से भी मिले, तो आपसे बात करके बात कर वो बात बताइए, जब आप लोगों ने गलती की, जो भी गलती किया, उस गलती पर जब बच्चे विरोध किए, गांव वाले विरोध किए, तो उस विरोध पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस विरोध को हम सुलटाना चाहेंगे, अगर गलती कुछ हुआ है तो उसको हम सुधारने के लिए तैयार हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।